फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने टूंडला में होने वाले उपचुनाव को लेकर बैठक ली, जहां चुनाव की रणनीति एवं कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दिए जाने की बात पर जोर दिया। यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी तथा राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौजूद रहे। पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर घोटाले पर श्रीकांत शर्मा का बयान, सरकार एसआईटी के माध्यम से जांच करा रही है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सरकार काम कर रही है, कोरोना वायरस टेस्टिंग बढ़ाई गई, विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार की हिटलर शाही है, सरकार जिस नीति से बनी थी उसके ठीक विपरीत कार्य कर रही है, आतंकवादी पर कार्यवाही न करके एक महिला पर कार्यवाही करना सरकार की ऊंची मानसिकता को दर्शाता है, इसकी कीमत महाराष्ट्र सरकार को चुकानी होगी। देखिए, वहाँ जो उद्धव जी की सरकार है वो अहंकार में है, तानाशाह सरकार है, और आप अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके घर को तोड़ दिया, और जो माफिया था जिसने हजारों लोगों की जिंदगी को तबाह किया, और जब उसके गुर्गे फोन करते हैं तो वहां सुरक्षा तो बढ़ा दी जाती है, लेकिन जब उसका घर तोड़ने के लिए बारी आती है तो उद्धव सरकार जो है पीछे हट जाती है। तो आपने एक महिला का घर तो तोड़ दिया, लेकिन माफिया का घर आप नहीं तोड़ पाए। तो सरकार, शिवसेना की जो सरकार है वहां पूरी तरह से जो बाला साहब जी के जो एक अप्रोच था, जो काम करने का तरीका था, बिल्कुल उससे अलग हटकर काम कर रही है, और एक तानाशाह सरकार है जो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कहीं ना कहीं कुठारघात कर रहे हैं। बहुत महंगा पड़ेगा शिवसेना को इस तरह का जो बर्ताव है उनका।